अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अचानक से तुझे आज इतने सालों के बाद प्रीता जी के अपने बेटे की याद क्यों आ रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो तुझे गलत तरीके से इफेक्ट कर रही है, ये मुझे इफेक्ट कर रही है बात। आई एम सॉरी टू से, जितना वो तेरा बेटा है ना उतना वो मेरा भी है, मेरे लिए भी कुछ लगता था वो, पर हमें नहीं पता यार वो इस दुनिया में है भी या नहीं, हम नहीं जानते हैं यार, नहीं बताया हम लोगों को। करण सर बीच में डिस्टर्ब मत करो, बात कर रहे हैं ना हम दोनों, जब बात कर रहे हो तो बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? सर करण सर के बेटे के बारे में बात है। क्या हुआ? शौर्य मुसीबत में है सर, हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा प्लीज। शौर्य कम ऑन। वो मैं आपको मैं क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? अरे से रातों रात खड़े खड़े मुंबई की टिकट्स बनवा दी तूने मुझसे पूछे बिना, और वो भी हम तीनों की, पागल हो गया है? वक्त आ गया है सच का सामना करने का, सच को चीर फाड़ के रखने का। देख तू अभी ना बहुत गुस्से में है, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच, कुछ जरूरत नहीं है मुंबई जाने की, गलती कर रहा है तू। और जो मेरी माँ के साथ हुआ वो क्या था? वो तो गलत से भी ज्यादा गलत है ना। अरे यार मैं मानती हूँ तेरी माँ के साथ गलत हुआ है, मैं कहाँ डिनाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसे मुंबई, अरे यार रहने में क्या प्रॉब्लम है राजवीर? यहाँ तू है, दी है, मैं हूँ, इतना प्यार है, इतना अपनापन है, रिश्ते हैं, तुझे क्यों ये? देख मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं उस शहर हमें जाना ही नहीं है, जिस शहर ने हमें सिर्फ जख्मों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। अरे जहां से निकले तो कड़वी यादों के अलावा यहां पर कुछ नहीं ला पाए। अरे जब भी वो यादें याद आती ना रुला देती है, तो क्यों नहीं समझ रहा है? आपको पता है आपको यादों से डर नहीं लगता है, आपको उनसे डर लगता है, उन्हें फेस करने से डर लगता है। मैं नहीं डरती किसी से, अगर अगर किसी चीज से डरती हूँ तेरे और दी के लिए और किसी से नहीं। अरे तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, सृष्टि अरोड़ा हूँ मैं, मुझ जैसी निडर और बिंदास लड़की ना आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई है। अरे तू जानता ही क्या है, तू बहुत छोटा था। अरे क्यों जाना है तुझे मुंबई, अजनबी शहर है, वहां के लोग अलग है तुझे। एक मिनट, अगर दी को वहां कुछ हो गया तो उन्हें फिर से वहां पर दौरे पड़ने लगे तो उनकी मुंबई की यादें ताजा हो जाएंगी, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इतनी उलझी हुई थी जिंदगी मुंबई में, अरे बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ आके सुलझाई है और तुझे मुंबई जाना है? देख मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है, कोई नहीं जा रहा है मुंबई, मैं बता रही हूँ, अब तू कुछ गलत नहीं करेगा। और मुझे नहीं पता एक बार तू मुंबई चला गया तो तेरे साथ वहां क्या होगा, दे यहाँ टिकट। जो होगा कल होगा, और कल किसने देखा है? माँ हम अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए अपने बीते हुए कल से भाग नहीं सकते, अतीत की परछाई पीछा नहीं छोड़ती कभी भी, और आप मुंबई शहर को अजनबी शहर कह रही हो? अरे अजनबी तो ये जगह है, और आप यहाँ पर बैठकर कैसे सोच सकती हो कि आने वाला कल कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, उसमें अतीत की परछाई नहीं होगी और सब कुछ अच्छा होगा। आज जितना अच्छा है कल इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, और वो होगा अतीत का सामना करने से। मैं चाहूंगा, और आप बात करिए पास की ना, पास में जो कुछ भी हुआ उसका भुगतान कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, वो इंसान करेंगे जिन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया है। तू पागल हो गया क्या? कितनी बार कहा है तुझे दी को माँ मत बोल, तू क्यों नहीं समझता राजवीर? अगर तू दी के सामने उन्हें माँ बोलेगा ना तो वो समझ नहीं पाएंगी कुछ। अरे मुश्किल से वो देख, अगर तूने मां बोलना स्टार्ट किया ना दी को तो दी मुझसे हजार सवाल करेंगी जिनके मेरे पास कोई जवाब नहीं होंगे। तुझे पता है ना उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बेटा, तो क्यों मां मां बोले जा रहा है? डॉक्टर ने भी कहा था ना
कि हमें उन्हें कोई भी शॉक नहीं देना है, कोई भी ऐसी बात उनसे नहीं करनी है जिसकी वजह से उन्हें फिर से दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाए। अरे उन्हें शॉक लगेगा, सदमा लगेगा जब तू उनको, मैं तेरे तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दीन ने ना बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहती जो दर्द उन्होंने 20 साल पहले सहा है वो उन्हें दोबारा जिए। मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? जब तक जी ठीक नहीं हो जाती तब तक, सिर्फ तब तक तू उनको माँ मत बोल, प्रॉमिस कर मुझसे। खा मेरी कसम, तू नहीं बोलेगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस, नहीं बोल, नहीं बोल। क्या बात है, क्या खुसर पुसर हो रही है मेरे पीछे से? कुछ नहीं दीप, देखो ना इसने ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा रखा है, कह रहा है कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अब आप ही बताओ दी, मेरा काम यहाँ है, आप यहाँ हो, राजवीर यहाँ है, तो मुंबई जाने की क्या जरूरत है? मैं इसे वही बता रही थी कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजवीर, इस बात में सृष्टि ठीक कह रही है, मुंबई जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हम लोग सब खुश तो है। मासी, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? वही 9 to 5 जॉब, वही रूटीन और लाइफ का डेली डोज, छे ये भी कोई जिंदगी है? अरे फ्यूचर तो मुंबई में है और जिंदगी भी वही है। मैं नहीं जा रही मुंबई। कोई माने या ना माने, मैं तो मुंबई जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा, अकेले जाएगा क्या? अकेले तो तुझे नहीं भेजेगा कोई भी। चल अगर तूने जिद पकड़ ही ली है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ मुंबई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।